समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गिरिडीह के समेत शिखर मधुबंजी में अचानक गैर जैन समाज के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। एक के बाद एक सारी दुकानें बंद होनी शुरू हो गई और स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए और जमकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। कुछ पल के लिए माहौल ही मधुबन का पूरा बदल गया, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि काफी संख्या में स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करते हुए सड़क पर उतरे, जबकि कई ग्रामीण भी इस दौरान एकजुट हो गए। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद मधुबन थाना पुलिस भी हंगामा स्थल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार कुछ स्थानीय स्कूल के छात्र मधुबन के पार्श्वनाथ पहाड़ चढ़ाई कर दर्शन के लिए जाना चाहते थे। सारे स्कूली छात्र स्थानीय ही बताए जा रहे हैं और उनके साथ कुछ महिलाएं भी होने की बात सामने आ रही है। इसी दौरान जब जैन तीर्थ यात्री ने कुछ बच्चों के साथ धक्का मुक्की कर दी, जबकि स्कूल बच्चों के साथ मौजूदा महिला द्वारा जैन तीर्थ यात्री द्वारा धक्का किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जिस तीर्थ यात्री ने स्कूली छात्रों के साथ धक्का मुक्की की वो नागपुर का जैन तीर्थ यात्री बताया जा रहा है और उसने स्कूली छात्रों को ये कहते हुए धक्का मुक्की करी कि वो लोग सिर्फ मधुबन का भक्तिमय माहौल खराब करने यहाँ आते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाएं। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू किया और अपनी अपनी दुकानों को बंद करना शुरू किया। उधर जानकारी मिलने के बाद मधुबन थाना पुलिस भी वहां पहुंची और लोगों को समझाते हुए नागपुर के जैन तीर्थ यात्री को पूछताछ के लिए मधुबन थाना ले गए। फिलहाल माहौल पूरी तरह से शांत है। बता दें कि ये मामला समेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने से जुड़ा है। यहां लोगों का मानना है कि समेद शिखर जी एक धार्मिक स्थल है, इसे पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील नहीं किया जा सकता। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैंस ने भी जैन धर्म के पवित्र स्थल समेद शिखर जी को तीर्थ स्थल ही रहने देने के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।